आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह व कांग्रेस नेता लोगों को राहत देने में जुटे हुए हैं, जबकि भाजपा नेता इस समय भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय डोगरा ने ऊना के मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के चलते 13,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ है। लोग बेघर हो गए, लोगों की भूमि खराब हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी आपदा है। ऐसे समय में सभी को मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस वार्ता में उठाए गए मुख्य मुद्दों के बारे में। इस खबर को हमारे लिए कवर किया है हमारे संवाददाता रोहित शर्मा ने। कि आपदा किसी के बस में नहीं, और ये प्राकृतिक आपदा है, इसको भी अगर केंद्र सरकार अगर राजनीति से जोड़ रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश के लोगों की पुनर्वास के लिए काम करना चाहिए, ना कि ये देखते हुए कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसको नीचे लगाने का कोई काम किया जाए। डोगरा जी, आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें गिर गई, जबकि धरातल पर दो ही मंजिल पास है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों एक बड़े कड़े फैसले लेते हुए क्षेत्रीय, हर जिले में क्षेत्रीय छोटी छोटी टीमें बना के, जिसमें जियोलॉजिकल के लोग होंगे, जिसमें ज्योग्राफी के लोग होंगे, जिसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोग होंगे, और जो हमारे विश्वविद्यालय और यहाँ पे जितने तकनीकी संस्थान हैं उनके प्रोफेसर्स की एक टीम बनाने के लिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हुए अब हम लोग कोई भी कार्य ऐसे नहीं करेंगे जिसके साथ प्रदेश को कहीं नुकसान हो। और इसको आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए उन्होंने मौजूदा समय में ये कहा कि जितने क्रशर्स खड्डों के आसपास, जितने नालों के आसपास क्रशर लगे हैं उन्होंने वो तक बंद कर दिए हैं, उसको बंद करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। इसकी सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। अंत में मुझे एक बात और ये करनी है कि आज प्रदेश के अंदर, कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानसून सत्र, जब नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात उठाई कि मानसून सत्र होना चाहिए, तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 से 1,200 पुलिसकर्मी विधानसभा की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो NDRF के लोग हैं, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, वो लोग जितनी शिद्दत के साथ यहाँ आपदा में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को पहले इस आपदा की घड़ी में काम करने दें, ताकि हम लोग मानसून सत्र जब भी होगा हम लोग चर्चा करें। और मैं आपके इन चैनल्स के माध्यम से केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश को 13,000 करोड़ रुपये से सरकार की वो मदद करें और उस मदद के लिए वो आगे आए। हम लोग नितिन गडकरी जी के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने स्वयं आके मौके का जायज़ा लिया, और वो आके जिस तरह से अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि नेशनल हाईवेज जहाँ हम लोग उनको सुदृढ़ करेंगे और उनको हम लोग खोलेंगे, वहीं उन्होंने जो प्रदेश के हमारे राज्य स्तरीय सड़क मार्ग हैं उनके बहाली के लिए भी उन्होंने बात की है, उसके लिए भी हम उनके आभारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने भी जो सड़कें, जो अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, जिन भी लोगों ने दिया है, जिन बच्चों ने दिया है, जिन माताओं ने दिया है, जिन बुजुर्गों ने दिया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के